नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करें इस बुलेटिन की, उससे पहले नजर 10 बड़ी खबरों पर। गंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने की सबसे बड़ी बैठक, प्रभारी मंत्रियों के साथ लोकभवन में की मीटिंग। गंगा यात्रा की बेहतर व्यवस्था पर रहा जोर, 27 से 31 जनवरी तक निकलेगी गंगा यात्रा। लखनऊ में सीपीए कार्यक्रम की शुरुआत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार, कहा लखनऊ में सम्मेलन का आयोजन होना गर्व की बात। झांसी से बीजेपी सांसद अनुराग शर्मा का अजीबोगरीब बयान, किसानों से बोले सांसद, पहले कहो बीजेपी जिंदाबाद तब होगा काम। बीजेपी नेता बिना कटियार का बयान, कहा एनआरसी देश के लोगों पर लागू नहीं, पड़ोसी देश के लोगों के लिए नागरिकता कानून, मुस्लिम शरणार्थियों के लिए उनका देश है पाकिस्तान। लखनऊ और प्रयागराज में हुए वकीलों की हत्याओं के विरोध में वकीलों का हल्ला बोल, वकीलों की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जल्द हो सकता है ऐलान, केंद्र सरकार की तैयारियां पूरी, महंत नृत्य गोपाल दास के नाम पर संतों की सहमति। अलीगढ़ में एएमयू के वाइस चांसलर और छात्रों के बीच में टकराव, छात्रों ने जनरल डायर से की तुलना तो वाइस चांसलर ने छात्रों को उनके बीच में जाकर समझाए, परीक्षाएं भी रद्द। बुलंदशहर में मंचले को युवती ने जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मंचले की पिटाई का वीडियो, कुछ कई दिनों से युवती को कर रहा था परेशान। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर गिरे ओले, किसानों के फसलें हुए खराब, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को दिए फसलों के नुकसान के आकलन के निर्देश, कई जिलों में स्कूल बंद। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, जैश के 5 आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहे थे आतंकी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।